वड़वानी नेता पर हमला करने का मामला सामने आया है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओम सोनी पर हमला हुआ है। राजपुर के त्रिवेणी मंदिर के समीप शिव मंदिर के पास यह हमला हुआ है। तलवार, देशी कट्टे और हॉकी से जानलेवा हमला करने का ओम सोनी ने लगाया है आरोप, तो घर के सीसीटीवी कैमरे में सारा मामला कैद भी हुआ है। दूसरे पक्ष से 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो वहीं 8 लोगों के खिलाफ एक पक्ष से मामला दर्ज हुआ है। राजपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। के मारने के लिए किसने मारा? ओम सोनी, भाजपा जिला पूर्व अध्यक्ष जिला के। कहां की घटना? ये बड़वानी रोड पटेल भवन के सामने त्रिवेणी मंदिर के आगे। कब की घटना है? यहाँ सुबह 8:30 बजे। आप किसी पद पे हो क्या? बजरंग दल का जिला सहसंयोजक। और राजनीतिक द्वेष के कारण मेरे पे ये हमले करते ही आ रहा है। पहले एक बार मेरे घर पर हमला करा, मेरे माँ बाप को मारा, चाचा को मारा, मेरे भैया को मारा, मेरे दोस्तों को मारा। इसके कहने पे सबने ये काम करा था। और उसके बाद राजपुर बस स्टैंड में बैठा था, लक्की ठाकुर भूपेन भैया आए, मेरे को मारा। तो मारा क्या करा? नहीं मालूम मेरे को। बस स्टैंड हाँ आते के साथ मारने लग गए। कहाँ कहाँ चोट है? एक हाथ में ही है, ये वाले हाथ में। हाँ, हाथ फ्रैक्चर है, 3 जगह से फ्रैक्चर है। क्या क्या था? किन चीज़ों से मार के? भूपेन भाई ने तलवार से मार, वो लक्की के हाथ में कट्टा था। कैसे बचे जाना? बोले जो मैं गिरा, लक्की ने फायर करी, तो वहाँ से भाग आया फिर। हाँ, ओम भैया के साथ। आज प्रातः राजपुर कस्बे में भूपेन ठाकुर और ओम सोनी के बीच में मंदिर के पास कोई विवाद हुआ था, और चूंकि इन दोनों पक्षों के बीच में कोई पुरानी रंजिश चली आ रही थी, आज पुनः ये आमने सामने हो गए थे, तो इनके बीच में एक झगड़ा हुआ और उस ओम सोनी की रिपोर्ट पर भूपेन और उनके साथियों पर जो है प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। हाँ, उसके द्वारा भी रिपोर्ट की गई, उसके बताए अनुसार कि मेरे साथ भी मारपीट हुई, उसके बताए अनुसार भी उचित कार्रवाई और रिपोर्ट दर्ज की गई है। हाँ, दोनों जो पूरी घटना का जो प्रकरण है विवेचना में लिया गया है और निष्पक्ष कार्रवाई इसमें की जाएगी। जी अखिलेश जी, भाजपा नेता पर हमला का मामला सामने आया, क्या स्पष्ट हुई है अब तक तस्वीरें? देखिए, हमारे दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि गृह मंत्री बाला बच्चन का ग्राम राजपुर है, जहां पर आज सुबह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम सोनी पर शिव मंदिर पर जैसा आरोप ओम सोनी लगा रहे हैं कि एडवोकेट भूपेन ठाकुर और उनके भतीजे द्वारा हमला किया गया है और उनके घर पर भी हमला किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज पुलिस के को उपलब्ध कराए हैं। वहीं भूपेन ठाकुर जो कि वकील हैं और उनके भतीजे लक्की ठाकुर जो बजरंग दल के जिला सहसंयोजक हैं, उन्होंने बताया है कि पूर्व में इनके कहने पर मेरे परिवार में पर हमला किया गया था और उसी को लेकर पुराने विवाद को लेकर यह घटना हुई है। सुबह दोनों पक्ष की तरफ से पुलिस थाना राजपुर में मामला दर्ज किया गया है। ओम सोनी द्वारा SP से मुलाकात करके कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं जो लक्की ठाकुर है उनकी तरफ से भी पुलिस थाने में FIR दर्ज करे। एक पक्ष जो ओम सोनी है उनकी तरफ से 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। वहीं लक्की ठाकुर की तरफ से 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस अभी सभी विवेचनाओं को जांच रही है और उसके बाद कार्रवाई की बात कर। हालांकि CCTV फुटेज से अखिलेश जी सारी बातें स्पष्ट हो सकती है? देखिए, यह CCTV फुटेज के आधार पर अभी पुलिस सभी तथ्यों को खंगाल रही है कि क्या विवाद की स्थिति क्या रही और पुराना विवाद किस माध्यम से रहा है, और ये सभी जानकारियां पुलिस करने के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। जी अखिलेश जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।